नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिखा धूरिया। किसानों के प्रदर्शन को लेकर केंद्र की मोदी सरकार तमाम विपक्षी पार्टियों के निशाने पर है। दिल्ली से लेकर पंजाब, राजस्थान और अब तमिलनाडु में भी किसानों की मांग को पूरा करने की आवाज उठाई गई है। दरअसल तमिलनाडु में मक्कर निधि मयम पार्टी के संस्थापक और प्रमुख कमल हसन ने कहा कि केंद्र सरकार को किसानों की मांगों को सुनना चाहिए। आपको बता दें, कमल हसन चेन्नई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने तमिलनाडु सरकार पर भी निशाना साधा। कमल हसन ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि निवार चक्रवात के दौरान राज्य सरकार की तरफ से किए गए राहत बचाव के प्रयासों से हम संतुष्ट नहीं हैं। आपको बता दें, तमिलनाडु में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, जिसे लेकर राजनीतिक पार्टियां अभी से तैयारियों में जुट गई हैं। मंगलवार को चेन्नई में पूर्व आईएएस ऑफिसर संतोष बाबू ने मक्कल निधि मयम पार्टी ज्वाइन कर ली है। खुद पार्टी के संस्थापक और प्रमुख कमल हसन ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। संतोष बाबू का पार्टी में आना कहीं ना कहीं अगले साल होने वाले चुनाव की तैयारी के लिहाज से काफी अहम माना जा रहा है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।